हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी अंजलि एंड आल्सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो हियर इज द रैंडम फाइंड्स। ऑफ कोर्स मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और मीशो रैंडम फाइंड्स, और इस रैंडम फाइंड्स में आपको दिखने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से स्टफ, जो कि हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल एंड होम डेकोर से भी रिलेटेड मैंने इसमें ये हॉल किया है, और साथ ही साथ मैंने किया है कुछ ड्रेसेस हॉल। तो आपको इसमें से क्या पसंद आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम चलते हैं अपने पहले पार्सल की तरफ। तो जो मेरा पहला पार्सल था गाइज, वो बहुत ज़्यादा सही था, एंड लिटरली अगर आप भी देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए मे बी हो सकता है यूजफुल हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। तो ये है कोरियन ईयरिंग जो कि रैबिट है, एंड सीरियसली ये सामने से इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, एंड ये पूरा वेलवेट का था, छूने पे इतना सॉफ्ट सॉफ्ट था कि मैं क्या ही बताऊँ। इसको जब मैंने ओपन किया और इस पर जब मैंने हाथ लगाया ना, बहुत ज़्यादा सही लग रहा था। एंड लिटरली गाइज प्राइस भी आप देख लो, ये प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है, एंड ये एकदम ऐसा रियलिस्टिक सा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैंने इसको पहन के ट्राई किया, एंड लुक एट दिस, कितना ये ज़्यादा क्यूट लग रहा है, कान में काफ़ी ज़्यादा खिल रहा है। आप बताना आपको कैसा लग रहा है। प्राइस वगैरह मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। एंड है सेकंड मेरे पास ये वाला पार्सल, एंड यहाँ पे मैंने ASMR करने की ट्राई की थी जो कि बिल्कुल फेल हो गया। इस वाले प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये ट्रेवल फ्रेंडली है, एंड इसमें आपको दो चीजें मिल जाती हैं, लाइट प्लस मिरर, एंड लिटरली ये बहुत ज्यादा क्यूट था। आप अपने वार्डरोब में इसको रख सकते हो, एंड ये बैग में भी काफी ज्यादा अच्छे से फिट आ जाएगा। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे ही मैंने ओपन किया, मेरे हाथ में लग गया एक केबल, एंड लुक एट दिस, ये इसका फ्रंट है, और ये इतना ज्यादा क्यूट था, सॉफ्ट था, हाथ में भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे मेरी तमाम कोशिशें चल रही थी कि ये खुलेगा कैसे, सच में मुझे नहीं पता था कि ये कैसे खुलेगा। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद पहले मैंने लाइट ऑन की कि शायद मुझे कुछ ऐसा दिख जाए। मुझे तो ये पता था कि इसमें मिरर भी है, बट वो मुझे मिरर ढूंढना था, और बहुत ज्यादा ऐसे सर्च करने के बाद मुझे दो तीन चीज़ें दिखी, लाइक इसको कैसे स्टार्ट करना है, इसको कहाँ से चार्ज करना है, बट मुझे इस फैन का पर्पस समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये कैसे चलता है। तो नाकाम कोशिशों के बाद मेरे हाथ में ये लग गया, और इसको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये इस तरीके से खुलता है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ कि मुझे इसे ओपन करने नहीं आया, बट बुद्धू नहीं कहा जा सकता, ये इस तरीके से था। मुझे लगा कि एज अ जैसे हम फेस पाउडर को ओपन करते हैं वैसे ही ओपन होगा, बट ऐसा कुछ सीन नहीं था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल के तरफ। बाय द वे मैं उसका प्राइस वगैरह सब कुछ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये पार्सल भी कुछ कम नहीं था गाइज, ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैंने एक लाइट मंगाया था जो कि पार्टी पर्पज से था, एंड लिटरली वो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता, वैसे ही मैंने इस बार इसको चूज किया है, एंड ये भी काफी गजब का था। इसको आप अपने घर में कहीं भी फिट कर सकते हो, बोर्ड में फिट कर सकते हो, ये इस तरीके से दिया गया था। और जब मैंने इसका ट्रायल लिया, ये बहुत ज्यादा हाई था। ये भी सेम चीज़ है, आप इसको पार्टी वगैरह में या फिर कार लाइट में यूज़ कर सकते हो, बट ये घर के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। इसमें आपको एक छोटा सा रिमोट मिल जाता है, आप अपने मूड के अकॉर्डिंग इसके लाइट्स को चेंज वगैरह कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा सही था, एंड अफोर्डेबल भी था। इसकी भी प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दे रही हूँ। अदरवाइज अगर आपको लिंक वगैरह की कुछ नीड हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना, कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लाइट कैसा लग रहा है। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ, एंड ये गर्ल्स को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उनको रूम डेकोरेशन करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इवन मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसको मंगाया है, और ये आप अपने वॉल पे डेकोर कर सकते हो, लाइक आप अपने पिंटरेस्ट वगैरह पे देखते होगे इस तरह के डिजाइन। तो मुझे लगता है कि आपको ये काफी ज्यादा सही लगेगा। फ्रेंड्स, जब आप इसके डिजाइन देखोगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने इस डिजाइन को पिंटरेस्ट पे देखा है। मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग भी अगर इसकी शॉपिंग कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रूम को डेकोर कर सकते हो। तो लेट्स ओपन इट, अब इसको देखते हैं कि इसमें कितने जो है डिजाइन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे के पूरे 16 प्लेट्स हैं, और सच में ये प्लेट्स जितने एस्थेटिक दिख रहे हैं अभी आपको स्क्रीन पे, उससे कई ज्यादा अच्छे ये रियलिस्टिक में लग रहे थे।
तो आप बताना कि आपने इस तरीके का कुछ सोचा था या नहीं। अगर नहीं सोचा था तो गर्ल्स आप अपने रूम के लिए कुछ इस तरीके से डेकोरेशन में यूज कर सकते हो, वॉल डेकोर में। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, ये सिर्फ जस्ट 88 रुपीज का है। तो आप सोच क्या रहे हो, आपको जल्दी अपने रूम डेकोरेशन के लिए कुछ ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ, जो कि काफी ज्यादा सुंदर होने वाला है, अच्छा होने वाला है, एंड ये सबके लिए होने वाला है, मैरिड वुमेन से लेकर सिंगल पर्सन के लिए। तो आप इसको जरूर देखना कि ये आपके लिए है या नहीं है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, और ये काफी ज्यादा बड़ा पार्सल था इसलिए मैंने इसको ट्राई किया थोड़ा सा लास्ट में आपको दिखाने के लिए। तो ये है पैक ऑफ 3 बैंगल्स जो कि हैं ग्लास के, एंड लिटरली ये जिस तरीके से पैकेजिंग में आया है आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, क्योंकि एक भी चूड़ी टूटी हुई नहीं थी। एंड मुझे इनकी पैकेजिंग सबसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मटेरियल तो अच्छा था ही, और मैं इसको ट्राई भी आपको करके दिखाऊंगी। तो ये पैक ऑफ 3 है, इसमें आपको 3 कलर दिख जाएंगे, ये सिर्फ पहला डब्बा है। तो अब हम दूसरे डब्बे को भी खोलेंगे, लेकिन पहले वाले को देख ले। एंड इसकी जो ट्रायल मैंने की है ना गाइज, आप देखोगी हाथ में पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा खिल के आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको अगर स्टाइल करने की आदत है तो आप इसको ज़रूर लेना। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगा। जो सेकेंड वाला था वो भी काफ़ी ज़्यादा सही था, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ सही था। इसमें था 2 ग्रीन के बीच में 1 वाइट, एंड ये टोटल बैंगल्स जो हैं वो 120 है, और 120 बहुत ज़्यादा होता है तो सावन के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और पहनने के बाद मैंने इसको मंगाया था आई थिंक 2.4 जो साइज़ होता है, तो उस हिसाब से क्योंकि मेरे हाथ में यही साइज़ आती है तो मैंने अपने हाथ के साइज़ के लिए मंगाया था। और जो थर्ड था वो था रेड का कॉम्बिनेशन, रेड और येलो मैरून का कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होता है, लोग इसे पसंद भी करते हैं, और मैरिड वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही होता है। और इसको भी मैंने ट्राई किया है, बट इसका जो कलर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, प्रोडक्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही है, एक भी बैंगल्स जो हैं टूटे हुए नहीं मिले हैं मुझे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। पैकेजिंग वगैरह इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो आपको ये पसंद आते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, प्राइस वगैरह मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दे रही हूँ। अब हम ये मेरा रैंडम फाइंड्स में से जो लास्ट प्रोडक्ट है वो ये वास है, और मुझे ये वास काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद आपको दिखने को मिलेगा क्लॉथिंग एरियाज, तो आप क्लॉथिंग में क्या पसंद करते हो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बता। बाई द वे इसको भी खोलने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इनकी पैकेजिंग इतने अच्छे से होके आई थी, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद मीशो। एंड इसकी भी प्राइस वगैरह मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, ये टोटली ग्लास है तो इसको आप संभल के रखना, नहीं तो टूटने की भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इंजॉय करो अब क्लॉथिंग एरियाज, लेट्स गो इन द क्लॉथिंग एरियाज। मैंने इसको हैंगर में लगा के रखा हुआ है ताकि इसकी जो क्रीच है वो बिगड़े ना, और लिटरली ये इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था, इतना ज्यादा मुझे ये प्योर कॉटन लग रहा है, और पहनने के बाद तो यार क्या गजब लग रहा है। आप एक बार पहले इस पिक को देखो, मैंने ही वेयर किया है, एंड देन मैं इसकी वीडियो भी अभी लगा रही हूँ, तो आप इसकी वीडियोस भी देखना। इसकी जो डिज़ाइन है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और इसके अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो साइज़ मैंने मंगाई है मीडियम, एंड प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसको एक बार चेकआउट ज़रूर करना, लिटरली ये गजब है। तो मेरा नेक्स्ट पेपलम टॉप है वो ये है, एंड इसका भी मटेरियल गाइस काफ़ी ज़्यादा सही है, लिटरली आप इसको देख सकते हो। इसके स्लिप पे आपको इस तरीके का लेस मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, एंड मुझे यही काफ़ी ज़्यादा इसमें पसंद आया। बाकी कलर वगैरह तो आप देख ही रहे हो, प्रिंट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही है, नेक की डिज़ाइन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड सबसे ज़्यादा इसकी अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसको पहनने के बाद आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं फील होने वाला है। कॉलेज के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करना, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे इसकी पिक और वीडियो दोनों ही चला दे रही हूँ, तो आप एक बार देखना कि ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी इसका मटेरियल वगैरह सब इस पिक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा, एंड प्राइस वगैरह भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर इस ड्रेस का लिंक चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि ये कैसा लग रहा है कैसा नहीं, कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देना। और पहनने के बाद तो सच में गाइज ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, काफ़ी इसका जो प्रिंट वगैरह है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो इसको मैं देने वाली हूँ थम्स अप। सो अभी अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्सल है लिटरली गाइज ये मेरी मम्मी का फेवरेट है,
सीरियसली ये मेरी मम्मी का फेवरेट है। आप बस इसको देखो, इसका मटेरियल वगैरह तो A1 आया हुआ है, कुछ भी कमी नहीं है इसमें। एंड इसके साइड बाय साइड मैं वीडियो भी लगा दे रही हूँ, आप वो भी देखो। सो इसके स्लीप पे आपको एक इलास्टिक मिल जाएगा जिससे आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा और ये नीचे नहीं आएगा कलाई के नीचे, तो ये भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। एंड लिटरली इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ है। प्रिंट वगैरह तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, उन दोनों से भी ज़्यादा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इसको परचेस करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आप देख ही सकते हो। एंड इसकी वीडियोज़ तो मैंने चला ही दिए, तो वीडियोज़ में ये कितना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड नेक वगैरह की बात करूँ तो नेक पे इस तरह के लेस लगे हुए हैं, बाकी इसमें कुछ खास बहुत तामझाम नहीं है, तो ये भी आपको कॉलेज वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, तो इसको आप ले सकते हो। इसके लिए भी मेरा थम्स अप है, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी फॉर कॉलेज वेयर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट पार्सल है वो अब स्कर्ट है, क्योंकि मैंने तीनों ही पेप्लम टॉप दिखा दिए हैं। सो मेरा जो नेक्स्ट पार्सल है वो ये स्कर्ट है, ये लॉन्ग स्कर्ट है, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मीशो से आया है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग इसकी प्राइस है उस अकॉर्डिंग से ज़्यादा ही ये मुझे अच्छा स्कर्ट मिल गया है। लिटरली आप ये वीडियो देखो कितना ज़्यादा सही लग रहा है, मैंने इसको स्टाइल किया है, तो आप इन दोनों वीडियो को देखो। एंड मैंने इस पर पिक भी क्लिक कराई है, जो कि इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पहले इसकी हम रिव्यू करते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा इलास्टिक वाला कमर, आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड सामने आपको नॉट करने के लिए दिया रहेगा कि अगर ढीला हो रहा है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको टाइट ढीला जो भी कर सकते हो। एंड इसका कलर तो आप देख ही रहे हो, कलर सावन आ रहा है उसके लिए तो ये परफेक्ट है। लिटरली मैं कोई तारीफ वगैरह नहीं कर रही हूँ, ये परफेक्ट है। आपको नीचे इस तरीके के लेस देखने को मिल जाएंगे नीचे में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है लुक, ये मेरे कैमरे के बाहर भी जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। एंड प्राइस इसकी ये है, तो आप देख सकते हो कि इतने अच्छे खासे प्राइस में इस मटेरियल का जो है आपको स्कर्ट मिल जा रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। नेक्स्ट पार्सल है गाइज, वो है ये ब्लैक एंड वाइट पेंट ब्रश स्कर्ट। तो मुझे ऐसे ऑफिस वेयर टाइप लग रहा था, तो ये पहनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और मैंने इसको स्टाइल किया था ब्लैक टी शर्ट के साथ। अभी मेरे पास वाइट टी शर्ट नहीं था तो मेरे पास ब्लैक टॉप था, तो मैंने ब्लैक टॉप के साथ ही इसको स्टाइल किया। तो आप कमेंट में बताना कि ये कैसा लग रहा है। एंड इसको मैंने स्टाइल किया है इयर रिंग, साथ में मैंने लगाए हैं अपने जुक वाले बैग, और इसको मैंने स्लीपर, अगर फुटवेयर की मैं बात करूं तो फुटवेयर में मैंने इसको शूज़ के साथ स्टाइल किया है। क्या वो स्टाइल सही है या नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताना, वो आपका काम है मेरी गलती को सुधारना, तो वो ज़रूर बताना आप। कपड़े का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से आया है, देखो यहाँ पे आपको कमर पे इलास्टिक मिल जाएगा, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको आप ढीला टाइट मोटे जोटे जैसा भी आप हो ये आप में हो जाएगा। ये भी फ्री साइज़ है बाय द वे। एंड कलर वगैरह तो आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा सही है, तो मेरे लिए तो ये थम्स अप है। ये दोनों ही स्कर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों मटेरियल वाइज, डिज़ाइन वाइज, मतलब हर एक तरफ से ये दोनों अच्छे हैं। बट मेरे साथ स्कैम यहाँ हो गया कि मैंने पिक में देखी थी ये वाली चीज़ें, बट मुझे रिसीव क्या हुई, ये वाली। लिटरली मैं बता रही हूँ इसका मटेरियल मुझे नहीं पसंद आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तो सी थ्रू है, आप यहाँ भी देख सकते हो ये सी थ्रू है, आपको यहाँ पे आर पार दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखो लिटरली देखो ये सी थ्रू है, ठीक है। अब मैं जब भी इसको बाहर, मतलब अभी तो ये मेरे सामने लाइट है तो ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, ओके अभी आप इस वीडियो में देखो, ये इतना ज़्यादा सी थ्रू है कि मैं जब चल रही थी तो मतलब चीज़ें दिख रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लिटरली अच्छा नहीं लग रहा था, वो वीडियो मैं नहीं डालूंगी। तो ये वाला जो स्कर्ट है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बाय द वे इसकी अगर प्राइस वगैरह की मैं बात कर दूँ तो ये इसकी प्राइस है, आप देख लो। एंड मटेरियल भी मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है, तो अगर वाइट नहीं लेना है तो आप उन दो स्कर्ट्स के साथ जा सकते हो, वो दोनों बहुत 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 ज़्यादा, मतलब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। इससे पहले जितने भी मैंने टॉप या फिर स्कर्ट्स दिखाए हैं
वो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको चूज कर सकते हो। तो ये थी आज की मेरी छोटी मोटी मीशो हॉल वीडियो, और आपको इन तीनों स्कर्ट्स में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करना, एंड मुझे कौन सा अच्छा लगा वो मैं बता देती हूँ। तो मुझे लगा सबसे ज़्यादा ये ग्रीन वाला अच्छा, एंड अगर मैं टॉप वगैरह की बात करूँ तो टॉप में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये दोनों लगा, क्योंकि इनका मटेरियल इसका भी अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट कलर वाइज जाएँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहनने के बाद ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खिल रहा था। तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर एक बार चेकआउट करना, और आपको कोई भी चीज़ें पसंद आती हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्लॉथ्स के जो हैं लिंक होते हैं, करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल ये लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तब के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, नमस्ते।